तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ जो बैठे हैं, एक ये सिद्धार्थ हैं होस्ट हैं, एक ये सिद्धार्थ हैं जो गेस्ट हैं, और ये निशांत हैं। ये सब एक ग्रोइंग एज में एक स्टार्टअप इन्होंने बिल्ड किया है। आज का जो पॉडकास्ट है उसकी थीम जो है स्टार्टअप कल्चर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट और बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है इंडिया में, और होना भी चाहिए क्योंकि बिज़नेस इसी से बनता है। लोग जॉब छोड़ के जॉब सीकिंग की वजह और जॉब गिवर्स जो बन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है आज, क्योंकि हमारे शहर से बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो मैंने ये सोचा है कि आपको इनकी जर्नी पता चले, इनके स्ट्रगल्स पता चले, और क्योंकि अभी ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, आई एम श्योर ये पहुँचेंगे, लेकिन उसके बीच का जो एक एक जर्नी होती है, एक स्ट्रगल्स होते हैं, वो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इनके थ्रू ये हो सकता है कि आपको एक मोटिवेशन मिले या कुछ एक ऐसा पॉइंट मिले कि आप कुछ भी शुरू करो, एक्स वाई जेड जो भी आप करना चाहो। तो शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को, और सबसे पहले आप बताएं कि आप अभी आपका मेंटल स्टेट क्या चल रहा है, आप लोग अभी मतलब अब करेंटली लाइफ में क्या सोच रहे हो, आप कैसा आपका मेंटल स्टेट होता है, कुछ स्ट्रेस है या कुछ जो भी है, आप बताएं। आपसे शुरू करते हैं निशांत। राइट नाउ एज अ एंटरप्रेन्योर मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं कैसे डे बाय डे अपने स्टार्टअप को कितने ऊंचाई पर लेके जा सकता हूँ। लाइक हमारा एक पर्सनल, हम दोनों की एक टू डू लिस्ट होती है वीक स्टार्ट होने से पहले, हम वीक के एंड पे उसको चेक करते हैं कि हमने इस टू डू लिस्ट में कितनी चीज़ें करी हैं, कितनी चीज़ नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए। बेसिकली लाइक ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी गलतियों को, क्योंकि जब गलतियाँ ऑब्जर्व करेंगे तभी उसको अच्छे से डिफाइन करके और उसको सुधार पाएंगे। तो अभी का स्टेट यही चल रहा है कि हमने जो अभी के लाइक मार्च मंथ के और अप्रैल मंथ के जो जो टू डू लिस्ट में डाल रखी हैं चीज़ें, उसको कैसे अचीव करना है ईजिली, और कहीं ना कहीं अगर हम ये चीज़ अच्छे से करेंगे तभी हमारे जो आगे के सपने हैं, जो माइलस्टोन्स हैं, वो हम ईजिली अचीव कर पाएंगे। कॉलेज लाइफ से शुरू करते हैं। अभी कॉलेज हो चुका है या चल रहा है, मतलब क्या है, कैसा है आपका? अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ अपने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में परस्यू कर रहा हूँ। कॉलेज मेरा स्टार्ट हुआ था 2020 में। ठीक है, आप निशांत? मैं अपने थर्ड ईयर में हूँ अभी, मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं IPS एकेडमी इंदौर से अपनी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो आप इंदौर से क्यों कर रहे हो? इसके पीछे एक स्टोरी, हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम सब ने ट्वेल्थ करी एंड ट्वेल्थ के जस्ट बाद ये प्लान का क्लिक हुआ था हमें कि ऐसा कुछ करना है। ये चलो पहले इस पे बात करते हैं, ये क्लिक कैसे हुआ? ये आज से 4 साल पहले जब हमारा ट्वेल्थ का फेयरवेल था, तो जनरल लाइफ लोगों की तरह हम भी आफ्टर पार्टी के लिए थोड़ा दूर गए थे शहर से, और वो लगभग 25 किलोमीटर दूर थी बरगी था बेसिकली। तो वहाँ पर एक हमारे साथ व्हीकल ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम हुई थी, जहाँ पे सीन ये हुआ था कि लाइक भगवान की भी किस्मत इतनी अच्छी बनाई हम लोगों की कि सबका टायर पंचर होता है, हमारे स्कूटी का टायर निकल गया था। ऑलमोस्ट पीछे वाला जो बोल्ट था बीच का, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आई नो कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टूल्स हम नहीं कर सकते उस मोमेंट पे। तो हमने देखा कि हाँ वो बोल्ट निकल गया है, अब हम कर नहीं सकते। हम क्या गए एक फ्रेंड के साथ, हम बाइक पे बैठे 2.5 किलोमीटर दूर गए, मैकेनिक को उठाया, उसको लेकर आए, उसने वो बोल्ट टाइट किया। द ट्रिगर पॉइंट वॉज कि उसने हमसे बोला 500 रुपये। अब वहाँ पे हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हम फंसे हुए थे, गांव का इलाका था बिल्कुल, अब हम क्या करें आगे ना जाएं। तो अब वहाँ पे उसको 500 रुपये दिया और उसको लेके आ गए, बट वो चीज़ वहाँ से दिमाग में रह गई कि एक मैकेनिक ने एक स्पैनर लेके आया और एक बोल्ट टाइट करने का हमारी प्रॉब्लम में उसने ले लिया। और जो बड़ी बात है कि हमें देने में भी दिक्कत नहीं हुई, वही काम अगर हम मैकेनिक के पास जाके करवाते वो 5-10 रुपये में कर देता, हार्डली 50 रुपये लेता। अब वहाँ से जब ये ट्रिगर हुआ तो उसको धीरे धीरे हमें नोटिस होने लगे, ऑटोमेटिक चीज़ें नोटिस होने लगी, कोई अपनी गाड़ी की में पेट्रोल खत्म हो गया वो घसीट के ले जा रहा है, किसी का टायर पंचर हो गया बेचारा खड़ा हुआ, ये चीज़ें अपने आप दिखने लगी ऑटोमेटिकली। तो एक साल तक वो हम सिर्फ देखते रहे। और फिर एक साल बाद एक ऐसा दिन आता है, 2021 का वो दिन था, मेरे को डेट भी याद है एग्जैक्ट, कि 9 मई 2021 शाम को मेरे को कॉल आया था निशांत का कि एक काम करते हैं, हम ऑन स्पॉट सर्विस देंगे। प्लान बेसिकली ये था, अब ऑन स्पॉट सर्विस देंगे ठीक है, अब राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स, वहाँ पे सीन ही आया कि नाम क्या रखेंगे, नाम भी इंस्टेंटली लेट्स गो टैगलाइन थी वेयर आर यू। अच्छा, बेसिक दिमाग बिल्कुल, लेकिन हाँ वो कनेक्ट इतना प्यारा हुआ था, वो हम वैसे अभी ले नहीं पाए लेट्स गो, बिकॉज वो डोमेन का कॉन्फ्लिक्ट था, वो डोमेन बहुत महंगा पड़ रहा था अभी, हमने इसीलिए हमने मैकबीडी से स्टार्ट किया था। तो ये था वो ट्रिगर पॉइंट जहाँ से पूरा जर्नी। तो जब वो टायर निकला है, आप दोनों एक ही व्हीकल पे थे, साथ में थे, टायर निकला था जब स्कूटी का? नहीं, निशांत वाली स्कूटी थी वो जिसका टायर निकला था, और मैं पीछे वाली बाइक पे था, देखा मैंने
अच्छा। टायर निकल चुका है भाई। उस ट्रिप पे आप लोग साथ में थे, अलग अलग व्हीकल में थे। हाँ। काफी बड़ा ग्रुप था, मतलब 8 से 10 लड़कों का ग्रुप था हमारा। तो मैकबडी फिर किसने सोचा नाम? इसका सीन ये हुआ था कि जब हमें रियलिटी हिट उस टाइम नहीं मिली थी कि लेट्स गो, तो हमने नाम रख के स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हमारे पास मेंटोर नहीं थे। तो हमारा सीन ये था कि स्टार्ट करो, नाम लिख दिया लेट्स गो, नीचे वेयर आर यू लिख दिया, फाउंडर सिद्धार्थ दुबे, फाउंडर निशांत कुमार सिंह, हो गई कंपनी स्टार्ट है। ना कोई आइडिया कंपनी चलती कैसे है, स्टार्टअप बनता कैसे, क्या MVP, क्या USP, कुछ नहीं पता। जब चीजें करने लगे तब आइडिया आया कि हाँ डोमेन नाम की एक चीज़ होती है जो .com होती है। तो उस टाइम पे हमारा सीन ये था कि हम रात में 12 बजे काम करना शुरू करते थे। रात में 12 बजे मुझे कॉल करता था, आप कॉल लिस्ट उठाओगे, मैं रात के 12 से सुबह 6 बजे तक हमारा कॉल कंटिन्यू चलता था। क्यों ऐसा, क्यों 12 बजे से क्यों? एक्चुअली दिन में वो आइडियाज हमारे ग्रो अप नहीं होते थे जो हम रात में कर लेते थे। प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती थी हमारी उस मोमेंट पे। आज तो हम वैसे वर्सेटाइल हो गए, क्योंकि कभी कभी आपके फेवर में थिंग्स नहीं होती, आपको दिन में वो प्रोडक्टिविटी लानी ही पड़ेगी, मजबूरन लानी पड़ेगी। दुनिया तो दिन में ही चल रही है। वहां पे सीन ये हुआ कि हमें 10 डोमेन हमने डिसाइड किया कि ये 10 डोमेन्स है जो हमारे बजट में आ रहे हैं, जो हमारा बजट 2500 का था कि 2500 हम डोमेन में इन्वेस्ट कर देंगे .com पे। हमने उसकी लिस्ट बनाई और एक प्यारा सा एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया और एक प्रिंटेड फॉर्म भी क्रिएट किया। अब वहाँ पे भी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी कि इंदौर के कैफेज कल्चर बहुत अच्छे हैं, तो निशांत को गिटार बजाने का शौक है, तो हमने क्या किया, मैं बोला एक शो, बस आपको कुछ नहीं करना, आप हमारा एक गूगल फॉर्म फिल कर दो कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, पहले तो ये बता दो कि आइडिया चलेगा कि नहीं, दूसरा ये बता दो नाम कौन सा अच्छा रहेगा, और तीसरा ये बता दो कि अगर ये हम बनाएंगे तो तुम पोटेंशियल कस्टमर होगे कि नहीं। अब ऐसा करते करते हमने 1000 लोगों का सर्वे किया, 1000 लोगों के सर्वे में 89% वोट्स हमें मिले कि ये आइडिया आपका फॉर श्योर चलेगा, हम आप कस्टमर बनेंगे, और 37% हाईएस्ट जो बिड गई थी वो गई थी मैकबडी के लिए कि ये नाम सबसे परफेक्ट है, तब जाके हमने वो मैकबडी डोमेन चूज किया। और कहीं ना कहीं वो होता है ना कि लोग जो चीज से अपने आप को रिलेट कर पाते, लाइक हमने मैकेनिक का मैक उठाया था और फ्रेंड वाला बडी, तो आज के टाइम पे मैकेनिक आपका फ्रेंड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे टाइम पर जब आपकी गाड़ी कहीं आप फंसे हुए हैं तो आप अपने फ्रेंड को ही सबसे पहले याद करते हैं। आप लोग बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो? नहीं, वी आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, और मतलब जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा सर्विस सेक्टर का ही रहा है, मतलब जॉब वाले ही सब थे, बैकग्राउंड बिजनेस में जरा सा भी नहीं है। तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा इस चीज को? स्टार्टिंग फेज तो स्टार्टअप कल्चर में वही होता है जो इंडियन टिपिकल फैमिली होती है कि रिस्क है, गिर सकते हो, गिर जाओगे, क्या करोगे, बैकअप क्या है, प्लान बी क्या है। और स्टार्टिंग से हमारा एक माइंडसेट क्लियर था कि प्लान ए के साथ प्लान बी रखना आपके प्लान ए को वीक बनाता है। बहुत सारे माइंडसेट हैं बट हमारा ये वाला है। अब वहां पे ये था कि स्टार्टिंग फेज में जो स्टार्टिंग का 6 महीना था पिछले 3 साल का, उसमें हम भी थे अंडर कॉन्फिडेंट कि नहीं चला तो क्या, बट एट द एंड ऑफ द डे जुबान से वो चीज़ निकल जाती थी कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब धीरे धीरे हमने चीज़ें आगे बढ़ाई, शुरू के 3 महीने तक तो फैमिली को पता भी नहीं था कि ये कुछ बिजनेस में सोच रहे हैं। हमने बोल दिया कि चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, बताएंगे अगर चल गया तो 3 महीना वैसे निकला, 3 महीने में पता चल गया। थोड़ा सा ये था कि फैमिली ने कभी डिनाई नहीं किया कि मत करो, ऐसा डायरेक्ट नहीं था, वो इनडायरेक्ट ऐसे घूम के आते थे कि कर लो बट ऐसा जॉब के लिए प्रिपेयर होते रहना। मैं बोला ये क्या बोल रहे हैं, कर भी लो, जॉब के लिए भी प्रिपेयर होते रहना। फिर धीरे से गवर्नमेंट जॉब आती थी बीच में, फिर धीरे से ये कर लो वो कर लो, तो ये था। अब अगर मैं अपना पर्सनल घर का सीन बताऊं तो शुरू के 1 साल मेरे पापा से मैंने सुना कि हाँ कर लो, बट गवर्नमेंट जॉब इतनी अच्छी चल रही है, भर लो, मैं बोल सकता हूँ। सेकेंड ईयर ये चेंज हुआ, कर लो अब नहीं माने तो ठीक है मत करो, और अब ये सीन है अब वो सिर्फ मेरा बिजनेस पूछते हैं। तो धीरे धीरे माइंडसेट चेंज किया। वो होता ना कि जब आप प्रूफ करते जाओ, द बेस्ट थिंग टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू प्रूव इट, तो वो वाला सीन था। घर से ऐसा डायरेक्ट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे बट हाँ फेस तो किया थोड़ा बहुत। आपका क्या था निशांत? ये ऐसे पता चला था कि लाइक उस समय मेरे फादर आर्मी में, अच्छा अब रिटायर हो चुके हैं तो आर्मी में थे वो, उस समय वो नासिक पोस्टेड थे। भाई ये बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत, क्योंकि आर्मी पर्सन मेरे तो पहचान में नहीं है बट जितना सुना है कि बहुत डिसिप्लिन है ना, पंचुअल और हाईली स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग ऐसी रही होती है कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी बन जाती है। उस समय वो नासिक में पोस्टेड थे तो मेरी मदर उनके साथ थी वहाँ पर, और मैं और मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ पर रहते थे। तो एक प्लेटफॉर्म होता है कॉफ़ी मत करके, जिसपे इन्वेस्टर्स या बिजनेस प्रोफेशनल्स मिलते हैं, आप उनसे 1-to-1 मीटिंग करके एक्सपोजर ले सकते हैं। तो उस पर हमने अपनी आईडी बनाई थी, उस पर हर फ्राइडे एक मीटिंग शेड्यूल होती थी। तो हर फ्राइडे सिद्धार्थ और मैं टाई लगा के फॉर्मल कपड़े पहन के वीडियो चैट पे बैठ जाते थे लैपटॉप खोल के। तो हर फ्राइडे दीदी नोटिस करती थी कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग, कुछ बता भी नहीं रहे हैं पूछने पर कि जस्ट लाइक एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये कर क्या रहे हैं। फिर एक दिन उसने हमें बात करते हुए सुन लिया, लाइक उस समय हमें नॉलेज नहीं थी कि कैसे फंडिंग होती है एंड कैसे चीज़ें प्रोसीड होती हैं। तो हम अपनी पहली डिमांड लेके बैठे थे फंडिंग की 2.5 करोड़ रुपए की। अरे भाई साहब हमें
लिटरली कुछ नॉलेज नहीं था, हम एकदम फ्रेश थे और कुछ पता नहीं था हमें कि कैसे होती हैं चीज़ें और कैसे कोई पैसा डालता है, कैसे लेते हैं, टर्म शीट क्या होती है, एवरीथिंग कुछ नहीं पता था। तो हमने पहली डिमांड रखी थी सामने वाले की 2.5 करोड़ रुपए और पीछे से दीदी सुन रही थी कि अच्छा ये बिजनेस प्लान हो रहा है जिसके लिए 18 साल की उम्र में 2.5 करोड़ की फंडिंग की डिमांड कर रहे हैं और इन्हें मिल जाएगी। लाइक घर वालों को तो यही होता ना कि कोई भी बेवकूफ़ बना देगा बाहर का आके, और उस मोमेंट में तो वैसे बना देता बट वो एक कंसर्न रहता है। तो उन्होंने फिर मम्मी को बताया कि मम्मी ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं, हर फ्राइडे मीटिंग कर रहे हैं पता नहीं किसी से। तो ऐसे मेरे घर पे पता चला था। तो उस समय के 2-3 महीने बहुत टफ थे और उस समय हम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। लाइक एवरी इंजीनियर का एक रहता है कि आईआईटी जाना, तो वो तो नहीं मिला बट उस समय जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये टाइम था, जैसे इसने बताया मई में चालू किया हमने और ये जून का समय था और उस समय कोविड के कारण 4 अटैम्प्ट हो रहे थे जेई के। तो चौथा अटेम्प्ट उस समय जुलाई में होने वाला था और जून में पता चला। तो घर वालों का ये कहना था उस समय कि अभी सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई करने के बाद जो कॉलेज मिल गया तो 4 साल करते रहना, फिर वहाँ प्लेसमेंट की तैयारी कर लेना। तो ये था। तो फिर वहीं से जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये कैसे चालू हुआ था, कि तब हमने यही सोचा था कि मैं इंदौर के कॉलेज में जाता हूँ क्योंकि जबलपुर से ना हमने उससे पहले एक एक्सपोजर लेने के लिए पूरा जबलपुर घूमा। जबलपुर को 6 डिवीज़न में डिवाइड किया, उस डिवीज़न के अंदर हमने सारे मैकेनिक्स की लिस्ट बनाई कि कितने मैकेनिक किस जगह पे। आज यहाँ पर भी बैठे तो हमने यहाँ की भी लिस्ट बनाई थी उस समय कि यहाँ पर कितने मैकेनिक हैं। तो हमको उस दिन यहाँ ये समझ में आया था कि जबलपुर के मैकेनिक्स अभी हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे की वजह उस समय शायद हमारी एज हो सकती है, शायद हमारे बात करने का तरीका हो सकता है। तो उस समय हमें ये क्लिक किया कि हम इंदौर में ट्राई करते हैं और जिसका रिजल्ट भी यही था कि आज तक हमें इंदौर में बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले, हमने चालू इंदौर से किया। तो उस समय फिर मैंने वो जेई के एग्ज़ाम क्लियर किया, जो थोड़े बहुत परसेंटाइल आए थे उसके थ्रू वहाँ एडमिशन लिया और उसी के साथ साथ फिर मैकबडी का ऑन ग्राउंड वहाँ पे वेंडर के पास जाके बात करना चालू करी, उनको समझाना चालू किया। अच्छा एक दिक्कत ये भी आती है ना कि यहाँ के वेंडर समझ नहीं पाते थे और शायद इसमें हमारी गलती होती थी कि ये कुछ कम्युनिकेशन गैप हम रख दे रहे थे जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाते थे, क्योंकि आज तो वो एक बार में समझ जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। कई ऐसे वेंडर्स भी हैं जो खुद इंजीनियर हैं तो उन्होंने एक इंजीनियर के दर्द को अच्छे से समझा कि क्या करना क्या चाह रहे हैं। कई ने यहाँ पर यहीं की न्यूज़ है कि एक आध वेंडर के यहाँ गए, उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया कि जाओ मत आया करो हमारी दुकान पे, टाइम नहीं हमारे लिए। और वहाँ पर भी हुआ, इंदौर में भी, हर जगह कहीं ना कहीं कोई होता है जो भगा देता था, बट स्टिल हम करते थे, शर्माते नहीं थे। सबसे बड़ी बात होती कि शर्मा जाते हैं इंसान की अगर भगा दिया, कुछ बोल दिया, और एज भी जैसे उस समय छोटी थी थोड़ी, तो लगता है ना कि कोई कुछ डांट ना दे, बाहर शहर दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो एक वो डर बना रहता था। बट स्टिल किया, एक एक वेंडर के पास जाके अपनी पूरी किया और आज हमारे पास 500 से भी ज़्यादा वेंडर रजिस्टर्ड है हमारे साथ काम करते हैं। जो लिस्ट आप बनाते थे कैसे बनाते थे, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा होता है, क्या यूज़ करते थे आप, कैसे? इसमें पर्टिकुलर उस टाइम पे हमें बेसिक नहीं पता था मार्केट का कि कैसे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे मार्केट एनालाइज और कैसे मार्केट रिसर्च किया जाता है। तो एकदम जो वो होता है ना फ्रेशर स्टूडेंट उतरा मार्केट में, उसने क्या ऑब्जर्व किया, लाइक कि हमने 3 चीज़ें बस दुकान में आइडेंटिफाई करना चालू किया। पहले कि जो ओनर है उसकी एज कितनी है, क्योंकि उससे माइंडसेट इंसान का हो जाता है, लाइक आज 3 साल बाद मैं गलत नहीं हूँ लेकिन अगर मैं 30 सेकंड किसी से बात करूँ तो मैं इतना समझ जाता हूँ कि बात क्या सुनना चाह रहा है मेरी जुबान से, फिर मैं उसी वर्सेटैलिटी से उससे बात कर लूँगा। तो उस टाइम पर पहले हमने एज ऑब्जर्व किए, उसके बाद सेकेंडली इसके पास बंदे कितने हैं, लोग कितने हैं, स्किल मतलब लेबर कितनी है, और तीसरा हमने सिर्फ ये किया कि ये ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करता है कि नहीं। ये हमारी सबसे पहली और बेसिक मार्केट रिसर्च थी जिसमें कुछ डेटा अगर मैं थोड़ा सा याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ 350 दुकानें थी जिसमें से 125 दुकानों पे ये तीनों चीज़ मैच कर रही थी जबलपुर में। बट वहाँ पे दिक्कत ये थी कि यहाँ पे उतना बड़ा विजन नहीं था कि हम एक मार्केट प्लेस पे अपनी चीज़ें सेल कर पाएँ। उस टाइम पे हमारा बेसिक, हम ये भी नहीं जानते थे कि हम एक मार्केट प्लेस बना रहे हैं, हमें बस ये पता था कि हम एक पोर्टल बना रहे हैं। अब वो होता है धीरे धीरे वोकैबुलरी चेंज होती है, टेक्निकल टर्म्स काफ़ी ज़्यादा लेट आती हैं। तो हम उनको यही एग्जांपल देते थे कि देखो जोमैटो है, रेस्टोरेंट है, उसने अपना बिजनेस बढ़ाया, तुम्हारे लिए जोमैटो बन के हम आ रहे हैं, तुम भी बढ़ा लो बिजनेस। तो वो समझ नहीं पाता था। अब आज जब हम उसी को रिवर्स करके घुमा के देते हैं उसको कि हाँ ये हमारी कंपनी प्रोफाइल है, ये हमारी अचीवमेंट है, आपको ये फ़ायदा मिलेगा, हमें ये फ़ायदा मिलेगा और सामने वाले को ये फ़ायदा मिलेगा, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो हमने अपनी आगे की रिसर्च की उसमें हमने क्या किया, हमने अपने मतलब गाड़ी उठाई, 2 ही लोग थे उस टाइम तक हम टीम में, और टंकी फुल की, उसके बाद हम निकल गए डायरेक्ट। हमने बनाया रास्ता, हमने गूगल मैप निकाला कौन सा रास्ता सबसे लंबा है, तो हमने वही 6 डिवीज़न जो अभी निशान ने बोला, 6 डिवीज़न्स में ये वाली मार्केट रिसर्च की कि एज, उनके पास डिजिटल पेमेंट लेते हैं कि नहीं, और लेबर कितनी है, ये 3 की। उसके बाद फिर हमने दुकान का स्पेस नापना किया कि 850 स्क्वायर फीट से बड़ा कौन है। उसके बाद ऐसा फिल्टर करते करते हमने ये चीज़ें सीखी और यहाँ जबलपुर में सीखी बट हमने इम्प्लीमेंट की इंदौर में। दोस्तों का कैसा सपोर्ट था, फ्रेंडशिप्स पे आपका क्या कहना है? जैसा मैंने वो फेयरवेल वाली कहानी बताई आपको, तो वहाँ पे जो था वहाँ पे 10 लड़कों का ग्रुप था और अब वो कम होते होते 4 का बचा है।
और बड़ी बात यह है कि वो चारों अब इसी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। तो सीन ये था कि जब आप कुछ अलग करने निकलते हो तो ये मैटर नहीं करता कि सामने वाले के साथ आपका रिलेशन कैसा है, बट हाँ आपको ट्रीट सेम किया जाता है। फैमिली का सीन ये था कि फैमिली ने पहले रिस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने रिजल्ट देखा, वो साथ हैं। दोस्त उस टाइम पे छूट गए, हम फैमिली को तो साथ में ले लेंगे क्योंकि वो हमारे हमेशा साथ हैं, बट दोस्तों के साइड से भी थोड़ा सा ये सीन था कि ये लोग बर्बाद कर लेंगे सब, ये एक पंचर की दुकान खोल रहे हैं, जो चले ना चले वो डिपेंडेंट अभी नहीं है, अब देखते हैं जो करना है करें, ये वाला साइन उनके साइड से था। बट हाँ आज चीज़ें बदली हुई हैं, 3 साल बाद अभी सब स्टेबलाइज्ड है और आगे भी अच्छा ही होगा, बट वो जोन थोड़ा अलग ही था। एक और क्वेश्चन मेरे को आया, आपने बोला कि आप लोग टाई लगा के लैपटॉप के सामने सब बैठते थे, कभी MLM वालों ने अप्रोच किया है? वो सूट पहन के मल्टी लेवल मार्केटिंग, पैकेज ले लो, बेच दो, चेन बना लो, 1 से 3 कर लो। नाम नहीं लूंगा मैं, पर किया है। किया है, उल्टा हुआ है। लेकिन हुआ ये था, स्टार्टिंग में हमारे पास मेंटोर्स थे नहीं, तो हमने एक बड़ी फर्म को कॉल किया, लाइक उनका बहुत बड़ा नाम है कि हाँ बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे चलाते हैं, सब कुछ था। तो हमने कॉल किया और हमने हेल्प की नीड से किया था कि हमें तो ये था कि हमारे पास 1 in a million आइडिया है, हमें लोग बोलेंगे अरे वाह क्या ढूंढ लिया है तुमने, अब भी मदद करते हैं, अभी बनाते इसको 1 billion कंपनी। मतलब ठीक है, अब हमने कॉल किया, निशान ने कॉल लगाया कि सर ऐसा ऐसा आइडिया है, उसने आधे घंटे सिर्फ हमारी तारीफ की है। हम 18 साल की उम्र में 28 साल वाली उम्र की ईगो में चले गए थे कि हाँ अब तो कुछ बना लिया है, कुछ तगड़ा बना लिया लाइफ में। आधे घंटे बाद वो बोला कि वी हैव 3 packages। बेसिक में हम आपको ये सिखाएंगे कि बिजनेस करते कैसे हैं, आपके आइडिया को फाइन करेंगे। बेसिक पैकेज है हमारा 1 lakh rupees का है। अरे भाई साहब, ठीक है। हमारे पास स्टैंडर्ड पैकेज है 3 lakh rupees का, और हमारे पास अल्ट्रा प्रीमियम पैकेज है जिसमें प्रॉपर हैंड होल्डिंग के साथ आपको बिजनेस करना, स्टार्टअप करना सिखाएंगे। वो था 10 lakh rupees का। उसके फर्क ज्यादा थे ना, दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ आते, वो यहाँ आके सिखाते, हैंड होल्डिंग दे रहे थे। और ऐसे एक नहीं है तो बहुत सारे मिले हैं हमें, बट उसमें हिट पार्ट क्या था, उस टाइम हमें ये क्लियर हो गया था कि थोड़ा गलत जोन था हमारा, बट हमारे दिमाग में ये हो गया था कि हमारा आइडिया यूनिक है। स्टार्टअप इज़ ऑल अबाउट अ डिफरेंशिएटर, कि आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो। तो जब हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कोई डिफरेंट कर रहे हैं, तो उसका मेंटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि हमें बता दे कि हाँ ये अब गलती हो गई, अब ये करो, अब ये करो। वो हमें सिर्फ बेसिक चीज़ों में बता सकते, जैसे कि एज अ लॉयर, एज अ CA, एज अ कंपनी कंप्लाइंसेस आपने बता दिए, आपने यूनिट इकोनॉमिक सुधारने में मदद कर दी, आपने रोएस अच्छा करने में मदद कर दिया मेरी, आपने कस्टमर एक्विजिशन करने में मदद कर, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हर स्टार्टअप में कॉमन होती है उसमें आप मदद करोगे। आप मेरे को ये नहीं बता सकते कि हाँ ये धंधा एक्सपैंड कैसे होगा, डाइवर्सिफाइड कैसे होगा, क्योंकि आइडिया यूनिक है। वी आर क्रिएटिंग अ थर्ड कैटेगरी, और कैटेगरी क्रिएशन में अगर आपको जाना है तो आपको अपने दम पे ही चीज़ें बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको बताने कोई नहीं आएगा। आप थोड़ा सा बात करते हैं कि MacBuddy एक्चुअल में क्या करता है, क्योंकि जो ऑडियंस देख रही है, आप लोग का एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन अभी हम लॉन्च कर रहे हैं, एक्चुअली हमने बीच में लॉन्च किया था बट वो वर्जन क्रैश हो गया, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म बनता है तो ये फाइनेस्ट इंडिया का पहला मार्केट प्लेस होगा, जहाँ पे सारी गाड़ियों का, मतलब 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट सब कुछ मिलेगा। दैट्स वाई उसमें थोड़ी R&D लग रही है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट लग रही है, तो मार्च के एंड तक ये लॉन्च करेंगे हम एप्लीकेशन, अभी वेबसाइट से हम डील करते हैं। क्या करता है MacBuddy, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास MacBuddy में? अगर मैं बोलूँ तो MacBuddy एक मैकटेक मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आपने एग्रीटेक सुना है, एडटेक सुना है, बायजूस जैसे नाम सुने हैं एडटेक में, वहाँ पे MacBuddy एक मैकटेक स्टार्टअप है जो ऑफर करता है एंड कंज्यूमर को 3 category की सर्विसेज, जिसमें आपकी है सर्विसिंग, मॉडिफिकेशन और पार्ट्स। अब इन तीनों में सब कैटेगरीज हैं। सर्विसिंग में है हमारी ऑन स्पॉट सर्विसिंग और सर्विसिंग ऑन डिमांड। मॉडिफिकेशन में 4 categories हैं, डिटेलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्ट इनटू EV और रेस्टोरेशन। और पार्ट्स में हमारे पास 2 category है, स्पेयर पार्ट्स एंड एसेसरीज। अगर मैं आसान भाषा में ये चीज़ बोलूँ तो अगर आप एक व्हीकल ओनर हैं, चाहे वो 2-wheeler हो 4-wheeler हो या दोनों ओनर हो, क्योंकि आजकल इंडिया, आज तो इंडिया में 2-wheeler 4-wheeler ओन करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो MacBuddy आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसकी सर्विसिंग, मेंटेनेंस और मॉडिफिकेशन के लिए। आप आए, आपने वेंडर चूज किया, सब कुछ आपको मिलेगा। सेकेंड कस्टमर जो MacBuddy का है वो है वेंडर। जो कस्टमर फुटफॉल उनको नहीं मिल रहा है, जो कस्टमर बिजनेस वो इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, जो इन्वेंट्री मैनेज वो नहीं कर पा रहे, आज भी गल्ला व्यापारी के यहाँ पे कहीं ना कहीं सीन ये है कि एरर ऑफ मार्जिन इतना ज़्यादा है कि कितना स्टॉक आया, कितना निकला, बीच में कितना खराब हो गया, उसको पता नहीं होता है। तो उस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए एक फुल्ली टेक मार्केट प्लेस MacBuddy उनको ऑफर करता है, उनका बिजनेस कस्टमर फुटफॉल इंक्रीज करने में, उनकी मार्केटिंग में। अब जैसे Zomato आप देख लीजिए, कितने रेस्टोरेंट्स जो ग्रो अप कर गए, ये डार्क स्टोर और क्लाउड किचन जैसे कॉन्सेप्ट Zomato के वजह से आ जा पाया, नहीं तो ये कैसे पॉसिबल था कि हम डिलीवरी करवा लेंगे, डिलीवरी कॉस्टिंग इतनी महंगी पड़ जाती, डाइवर्सिफाइड पड़ जाती। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लेके हम आए हैं मार्केट में कि MacBuddy के साथ जुड़कर आप अपना बिजनेस बढ़ाइए, एज अ वेंडर, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ वाइट लेबलिंग हम करेंगे, और MacBuddy पे आकर आप अपनी मनचाही सर्विस पाइए, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे सर्विसिंग हो, ऑटोमोटिव रिलेटेड कोई भी सर्विस हो। हमारा विजन कहीं ना कहीं पेपर वर्क को भी MacBuddy में लाने का है,
कि हम RTO रिलेटेड वर्क यहाँ पे इम्प्रोमाइज करेंगे, हम रेंटल इम्प्रोमाइज करेंगे, बट ये फ्यूचर प्लान्स है क्योंकि सब कुछ एक साथ करने से चीज़ें बिगड़ती हैं। इस पर डिस्काउंट्स भी होंगे क्या एप्लीकेशन पे? बिल्कुल, कई सारे स्पेयर पार्ट्स पे डिस्काउंट रहेंगे। हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, जो अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स में उसे ऑफ मिलेंगे, कई सारे कंसेशन मिलेंगे, पिक एंड ड्रॉप्स फ्री हो जाएंगे। कहीं आपकी गाड़ी फंस रही है तो वहाँ पर जो बंदा जा रहा है, जैसे एक कहानी थी, हम एक जगह गए थे, वहाँ पे उन्होंने बताया, जज बन के आए थे वो उस इवेंट में, कि मेरी स्विफ्ट ख़राब हुई थी हाईवे पे, उन्होंने कॉल लगाया सुजुकी और वहाँ से होंडा सियाज लेके वो बंदा आ रहा है स्विफ्ट ठीक करने। पूरा मोराल डाउन हो गया सामने वाले का। तो कस्टमर का मोराल तो वहाँ पे पहला तो वो होंडा सिटी लेके आया है स्विफ्ट ठीक करने, तो उसके चार्जेस भी तो उसी हिसाब के होंगे अगर वो होंडा सिटी लेके आ रहा है। और अगर वो हमारे पास आ रहा है तो हमारे वेंडर्स का रेडियस बना हुआ है ओवर द सिटी, तो वो कहीं भी फंस रहा है तो हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट वेंडर होगा वो बिना होंडा सिटी के आए ही वो चीज़ें ठीक कर सकता है। तो वहाँ पर ये जो सर्विस उसको ऑन स्पॉट मिल रही है, हम ये भी फ्री कर देते हैं अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल में। अभी आप किस किस सिटी में हैं? इंदौर, उज्जैन, देवास और जबलपुर। मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि ये स्टार्ट करने वाली जो एज होती है, जो पीरियड होता है, उससे आगे जा चुके हैं, अभी ये प्रॉफिट मेकिंग में हैं। तो हम ऐसे नहीं बैठ गए हैं कि आप ये शुरू करेंगे, ये कर चुके हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं, तो अब यहाँ से ये आगे ही बढ़ेंगे। एप्लीकेशन आपका आने वाला है, वेबसाइट आपकी ऑलरेडी, सारी चीज़ें हो रही हैं, डेटाबेस आपका बन चुका है। अब ये अभी चार शहर हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा आपकी बात से, कि ये चार शहर हैं, आप इनसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका डेटाबेस बड़ा होता जाएगा, बैकएंड डेवलपमेंट और अलग लेवल पे चाहिए आपको, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यार। अगर मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे मेरा चेन स्प्रॉकेट ख़राब है बाइक का, मेरा है ही ख़राब, मेरे को करवाना ही है चेंज, तो अगर मुझे मार्केट में कॉस्ट उसकी होती है 1100-1100 रुपये, अगर वो मेरे को 850 का भी मिल रहा है, 900 का भी मिल रहा है, तो मैं करवा लूँगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। एंड इसमें ना, ये पूरे बिजनेस मॉडल में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरा बिजनेस मॉडल है गन एंड बुलेट स्ट्रेटजी पे। गन आप एक बार खरीदते हो, बुलेट तो चल गई ख़त्म। गाड़ी में भी सेम सीन ही होता है। इंसान को पता है, ये अगर मैं बोल दूँ आज इस चैनल पे, कि जितना आप अपनी गाड़ी पे खर्चा करते हो खरीदते टाइम, उसका 20 गुना पैसा आप सर्विसिंग में खर्च कर रहे हो, उसके रिपेयर में खर्च कर रहे हो, उसके मेंटेनेंस में खर्च कर रहे हो, लाइफ टाइम वैल्यू। मैं मानता हूँ ये बात, राइट? सो ये सीन ऐसा है कि अगर अब मान लीजिए मैंने क्या किया, अगर डिस्काउंटिंग प्रॉफिट, मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंटिंग नहीं अवेलेबल हो पा रही है, मैंने मैकवेडी वॉलेट में उसको दे दिया कि कुछ क्रेडेंशियल रखो, अगली बार सर्विस करा लेना। ऐसा तो है नहीं कि भाई कराओगे नहीं, अगली बार तुम सर्विस ले लेना। तो ये जो पूरा हमारा बिजनेस मॉडल, अभी इकोसिस्टम हमारा बना है, वो जो 3 साल में बेसिक्स हमने क्लियर किया, आज हमारा ऐप हमारा आ सकता था, लाइक कि कुछ हमारे मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं जिनने अपना टेक लॉन्च कर दिया, बेसिक्स है नहीं। और हमने एक चीज़ नोटिस की मार्केट में कि टेक इज़ जस्ट अ चैनल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर डूइंग एनी स्टार्टअप इज सेल्स। आप बेचोगे कैसे और किसको, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी नीड है कि नहीं, क्योंकि टेक तो आपका एक माध्यम हुआ कि बस हाँ आप इस जरिए से बेच लो। इतना बड़ा डेटाबेस और इतना बड़ा आइडिया, वास्ट, क्योंकि एक शहर को ही हैंडल करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले वेबसाइट कैसे बनी, कहाँ से पैसे अरेंज हुए, एप्लीकेशन अगर बनाया या मार्केटिंग करी या एक्सपेंसेस, तो कैसे आपने, किसका खुद ही इन्वेस्ट किया या पैसे उधार लिए या जो भी, जैसा भी बता। ये मैं बताता हूँ क्या हुआ था, कि वही 3 साल पहले चलते हैं हम, तो क्या हुआ था कि हम बस पागल हुए जा रहे थे कि हमें वेबसाइट तो चाहिए, काम चालू करना है, चैनल तो चाहिए कि कैसे बेचे, वेंडर तैयार है, रेट्स तैयार है, पर कस्टमर तक कैसे पहुँचे। हमने पहले ट्राई किया कि व्हाट्सएप से चालू करते हैं, बट उधर पे भी बात नहीं बनी, तो वेबसाइट चाहिए था। और उस समय कोडिंग का ऐसा नॉलेज नहीं था मुझे, तो उस समय बस मैं फिरता रहता था लोगों के पास जाके ये पूछने के लिए कोडिंग कैसे होती है। यूट्यूब पे काफ़ी कोशिश करी सीखने के लिए, सीख भी जाता, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे आज सीखा वैसे उस समय भी सीख जाता। पर एक भैया थे, उस समय उन्होंने बताया कि वर्डप्रेस नाम की एक चीज़ होती है, वो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो उन्होंने बताया कि एक डोमेन खरीदना पड़ता है .com.in, उसके बाद वर्डप्रेस से आप अपने मुताबिक की साइट इजीली बना सकते हो, जैसे वर्ड पे आपने लिख लिया, अपने हिसाब से एडिट कर लिया, सारी चीज़ें वर्डप्रेस पे मैनेज हो जाती है। मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे होती है, उन्होंने बोला कि यूट्यूब है, सब चीज़ मिलेगा। उन्होंने भी उस समय मेरे को कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने बोला कि यूट्यूब पे देखो, ईजिली मिल जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये वैलिड चीज़ भी है कि नहीं, लाइक बड़ा डेटा बेस संभाल पाएगी कि नहीं, सर्वर क्रैश ना हो जाए। तब उन्होंने बताया कि जर्मनी, US, काफ़ी सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका पूरा डेटा बेस, पूरी वेबसाइट सिर्फ वर्डप्रेस के मुताबिक चल रही है और उस पर ही झेला जा रहा है उनका ट्रैफिक। तब फिर मैं यूट्यूब पे 1-2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, और करीब 3:30-4 बजे सिद्धार्थ को कॉल किया कि डेटा आ चुका था हमारे पास, मैकबडी लेना है हमें डोमेन।
उसके प्राइस चल रहा था उस समय, कुछ सारी चीज़ें लेके SSL सर्टिफिकेट वगैरह सब लेके उस समय कुछ 2200-2300 रुपए का पड़ रहा था। आधा आधा डाला तो था ट्यूशन पढ़ा के कैफे में गा के इतना जुगाड़ लिया था, आधा आधा डाला 2200 रुपए की उस समय पेमेंट करी। फिर मैंने ये वर्डप्रेस वाली बात उस समय सिद्धार्थ को नहीं बताई थी, 3:30-4 बज रहे थे रात के, मैंने बस उसको बोला कि डोमेन खरीद रहा हूँ मैं, उसने बोला ठीक है मैकबडी खरीद रहे हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं एक घंटे बाद तेरे को कॉल करता हूँ, बस एक सरप्राइज़ देना है। मैंने बोला क्या देना है पहले तो पूछा, फिर मैंने बोला बस वेट कर एक घंटा। उस एक घंटे में मैंने वर्डप्रेस जितना भी सीखा था मैंने डायरेक्ट वहाँ पे इस डोमेन को SSL सर्टिफिकेट और होस्टिंग के साथ कनेक्ट करके जो भी बेसिक जितना बना पाया वर्डप्रेस पे उस समय, कुछ टेम्पलेट्स उठाए, कुछ कहीं से उठा के और वो बना के फिर लाइव किया। उसे लाइव करने में 1.5-2 घंटा हो गए। 2 घंटे बाद मैंने करीब 6:30-6 बजे उसको कॉल किया कि जाके गूगल पे चेक कर। पहले किया तो SEO उतना अच्छा नहीं था तो नहीं आ रही थी, फिर मैंने लिंक भेजी तो इसने वो लिंक पे क्लिक किया, फिर वो गया macbuddy.com, तब वहाँ से चालू हुआ ऐसे कि सिद्धार्थ ने बोला ये अपनी साइट है, बोला हाँ अभी जो खरीदी थी वही वाली है। मतलब रात में 2:30 बजे बंदे ने बोला सरप्राइज मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, 22 वेबसाइट खोल डाली कुछ नहीं दिख रहा है। अब इनको ये भी नॉलेज नहीं कि SEO अभी वर्क नहीं करेगा, मतलब भाई जो दिखाना चाह रहा हो दिखा दे वरना मैं सो जाऊँ, कल करना है काम, पिच डेक पूरी बची हुई है। इसने मेरे को लिंक भेजी, मैंने लिंक खोली, बोला अरे वाह साइट आ चुकी है अब आगे बढ़ते हैं। फंडिंग के लिए गए आप किसी के पास? एक्चुअली वहाँ पे स्टार्टिंग का जो पहला साल था हमारा उसमें हमें ये लगता था कि विदाउट फंड्स हम नहीं बना पाएंगे स्टार्टअप, क्योंकि आज मार्केट इतना तेज़ी से ग्रो हो रहा है कि आपको कैपिटल डाल के वॉल्यूम जनरेट करके तब आगे बढ़ना पड़ेगा। बट ये मिथ हमारा क्लियर हुआ, ये हम गलत थे पहले ही साल में, क्योंकि फंडिंग डायरेक्ट करना विदाउट बेसिक्स क्लियर तब तो सबसे बेकार चीज़ है। क्योंकि एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि स्टार्टअप तब बंद होता है जब फाउंडर की एनर्जी खत्म हो जाए, ना कि तब जब पैसे खत्म हो जाएं। तो हमने फंडिंग छोड़ा, हमने सिर्फ अपने बेसिक्स क्लियर किए, हमने सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमने आज तक हमारे सबसे बड़ी वर्थ है, हमारे सबसे बड़े एसेट्स हैं वो हमारी टीम है, जो हमने पूरी टीम बिल्ड की, सारी कोर टीम हो चाहे वो ऑल ओवर 21 लोगों की हमारी टीम हो। उसके बाद यहाँ पे जब बात आई कि आप कैसे फंड रेस करोगे, तो स्टार्टिंग तो था कि हमें सिर्फ वेबसाइट का वो मेंटेन करना है कि हाँ जो मंथली उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज लग रहा है हमें उतना देना होता था बस। जब आगे बढ़ने लगे, जब वेबसाइट हो गई, डेटा क्लियर हो गया, अब मार्केट में उतरना है, तब वो दिन आया 2022 के 20 तारीख को, मतलब 20 दिसंबर 2022 जब हमने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का पैसा हमारे पास आया था हैकफेस्ट से, और वही एक मोमेंट था जहाँ पे घर वालों को 100% ट्रस्ट हो गया था कि हाँ जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्योंकि घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बाजू में कौन बिजनेसमैन खड़ा हुआ है, पर हाँ घर वालों को ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि अगर आपके बाजू में चेक लेके कोई बाजू में पॉलिटिशियन खड़ा है। तो हैकफेस्ट हम फर्स्ट रनर अप थे जबलपुर में, टॉप 50 में सिलेक्ट हुए, उसके बाद सेकेंड आए थे, और वहाँ पे हमें GIC के ऑफिस स्पेस ये सब मिला था। उस पैसे से हमने कर दी कंपनी इनकॉर्पोरेट, 21,000 का वो चेक था छोटा सा, कंपनी इनकॉर्पोरेट की हमने, फिर आगे बढ़े और फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई कि हाँ अब फंड्स की ज़रूरत है, अब लिटरली है, क्योंकि हमें ऐसी टीम चाहिए। लाइक स्टार्टिंग में तो हमारा ये था कि हम सबको रख लेते थे टीम में, इंटर्नशिप करनी आप हमारे साथ कर लो, अब हमें ऐसा चाहिए कि 3 काम करने के लिए एक इंसान हो, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स, एवरी टाइम क्वालिटी मैटर्स। तो फंडिंग के लिए हमने 2023 पूरा 2023 हमने झोंक दिया, भोपाल, इंदौर, झांसी, ग्वालियर, उड़ीसा, कहीं नहीं छोड़ा। हर इवेंट्स में हम 2023 में हम वो थे, इंडियन डेलीगेट थे इंदौर इन्वेस्टर समिट में, हम GSEA में सिलेक्ट हुए थे, हम शाइनिंग MP कॉन्क्लेव ग्वालियर में हुआ था उसके टॉप 50 सिलेक्टेड स्टार्टअप्स थे, झांसी में हैकफेस्ट हुआ था वहाँ पे टॉप सिलेक्टेड 20 स्टार्टअप्स थे, हम BNI में पिचिंग सेशन हुआ था ताज लेक फ्रंट में, वहाँ पे हम टॉप 10 पिचिंग स्टार्टअप में थे, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला। बस हमने गलती कहा कि वो हमें आइडेंटिफाई हुआ 2024 में, अभी जनवरी में रिसेंटली। क्या गलती थी? गलती ये थी कि हमने VCs को पिच किया है। VCs आते हैं सीरीज ए के टाइम पे, ना कि सीड राउंड में। सीड राउंड में आते हैं आपके एंजल्स, नाम ही उनका एंजल इन्वेस्टर्स है, वो आपके एंजल्स बन के आएंगे, फर्स्ट रिस्क टेकर, जो लोकल इन्वेस्टर, जो क्राउड फंडिंग, आज नए नए टर्म्स चल रहे हैं, आज तो प्री सीड प्री सीरीज ए भी आ चुका है। तो सीड राउंड में हमें पिच करना था एंजल इन्वेस्टर्स को, जो अमाउंट डालेगा, हमने पिच किया VCs को। यू वोंट बिलीव, हमने अब तक लगभग 250 से 300 फर्म्स में एप्लीकेशन डाल चुके हैं और सब में से रिजेक्शन खा चुके हैं। मतलब एक टाइम ऐसा था 2023 के बीच का, मेरे बर्थडे के, हाँ अप्रैल टाइम का था, अप्रैल मई के टाइम का था, 2 महीने तक रोज सुबह उठते थे, 4 लोगों को भेजते थे और रात में 8 लोगों से रिजेक्शन खाते थे कि यू आर नॉट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और मेजर रीजंस क्या होता था आपको बिलीव नहीं होगा, कि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, हम देख ही नहीं पाए। काफ़ी जगह हमने पिच भी किया, ऑनलाइन पिचिंग काफ़ी की, ऑफलाइन पिचिंग काफ़ी की। मतलब 2023 अगर मैं बोलूँ तो पूरा हमारा घर पे बीता ही नहीं है। एक दिन हम कैलकुलेट करते हैं 6 महीने तो हम बाहर रहे हैं और 6 महीना जबलपुर में। इन सारी चीज़ों का जो एक्सपेंस था, जो ट्रैवलिंग हो रही थी इस काम को लेके, तो उसका पैसा कहाँ से आया? जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, मतलब इसी स्टार्टअप से, है ना?
मतलब ये है आपकी लाइफ में, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है 101% कनेक्टेड है। मतलब लाइक कि अगर हम प्लान अगर मैं बताएं तो, अगर देखो हर स्टार्टअप फाउंडर होता है कॉन्फिडेंट, बट हाँ उसी सीरीज़ में मैं भी बोलूँगा कि एक साल बाद 100% ये बूम करेगा, जबलपुर के क्या इंडिया के हर कोने में दिखेगा। सीन यहाँ पे ये आता है कि आपके ऊपर आपका फेथ कितना है। फेथ डिपेंडेंट होता है टीम पे और टीम के पास होना चाहिए माइंडसेट। तो हमने वो जो टीम का एसेट बनाया, टीम ने क्या किया, हमारा बिजनेस ऑटोमेशन पे डाल दिया। टीम का होने का सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि हाँ भाई तुम दोनों बाहर जाओ, जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो लेके आओ, क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं है, हम पीछे से बिजनेस संभालते हैं। उसमें चाहे टेक हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, कस्टमर एक्सपीरियंस हो, ओपीएस हो, इंटरनल मैनेजमेंट हो, सब कुछ टीम ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। टीम ने पूरा बिजनेस संभाला और हम 6 महीने तक बाहर रहे। बिजनेस में 1% की भी डाउनवर्ड या अपवर्ड कुछ नहीं आया, कि मतलब कुछ ऊपर नीचे हो गया हो। ऊपर नीचे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे नहीं आया और ऊपर भी नहीं गया। ऊपर नहीं गया तो बुरी बात हुई, बट हाँ नीचे भी नहीं आया, ये मैंने पॉजिटिविटी उनमें देखी। धीरे धीरे हमने टीम को लीडरशिप सिखाना चालू किया कि हाँ आपको हैंड होल्डिंग देनी पड़ेगी, आप ये करो, क्योंकि आगे चल के तो कठिनाइयाँ और बढ़ेंगी, क्योंकि पैसा आने के बाद आपकी मुश्किलें आसान होती हैं, लेकिन हाँ स्ट्रेस बढ़ता है। मुश्किलें आसान नहीं होती, मुश्किलें बड़ी हो जाती हैं। हाँ ये भी एक मतलब उस टाइप की मुश्किलें नहीं, जैसे कि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, आप वो बिना डाउट कर सकते हो क्योंकि आपके पास फंड्स पड़े हैं। ये नहीं कि हाँ वो टेस्ला वाले टाइप की आपके पास एक रॉकेट का पैसा है, अब तुम्हें उड़ाना है कि उड़ाना है वो तुम देख लो। तो ये वाला जोन था। तो टीम ने इसमें काफ़ी हेल्प की कि वो ऑटोमेशन पे बिजनेस चलता रहा, बिजनेस चलता रहा तो प्रॉफिट बचता रहा, उसमें से थोड़ा सा बजट हमने बचा के रखा कि हाँ ये करना, ये करना, ये करना। जैसे मुझे स्टार्टअप करना है किसी भी चीज़ का, या जो हमारी ऑडियंस देख रही है, तो स्टार्टअप के स्ट्रगल्स क्या होते हैं, कैसे सीढ़ी चढ़नी है, क्या क्या लोग किस तरीके से आपको दबाते हैं, आपको क्या क्या सहना पड़ता है? सबसे पहले तो इसमें ना पूरा गेम 3 चीज़ों का है सिर्फ, आपका माइंडसेट, आपका करेज और आपकी टॉलरेंस, कि आप कितना सह सकते हो। एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि इफ़ यू कॉन्ट टेक द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। अगर आप में वो रेजिलियंस है कि हाँ आप इसको परस्यू कर लोगे, क्योंकि आपका हर दिन अच्छा नहीं होगा लेकिन हाँ हर दिन बुरा भी नहीं होगा। तो इसमें जो सीन है, कहीं ना कहीं हमने जब स्टार्ट किया था और अभी जो हम डिफरेंस देख पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, प्रेशर कंटिन्यूस बढ़ते गया है। बट हाँ जब प्रेशर कंटिन्यूस बढ़ते गया है, हेट कंटिन्यूस बढ़ते गया, तो वो अप्रिसिएशन भी साथ में पैरालाइज आ रहा है, तो इस वजह से ये बैलेंस बना हुआ है। अब स्टार्टअप कल्चर में अगर किसी को करने के लिए, जो अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम भी इंटरव्यूज़ लेते हैं हायर करने के लिए, अपनी टीम बिल्ड करने के लिए, सब बनाने के लिए, प्रॉब्लम स्टार्टअप कल्चर में ये हो रही है कि लोग स्टार्टअप करने के लिए आइडिया ढूंढ रहे हैं। आपने हमारी कहानी देखी, हमारे पास एक पेन पॉइंट आया जिसको हमने स्टार्टअप में कन्वर्ट किया। लोग आइडिया ढूंढ रहे हैं, और आइडियाज़ कुछ ऐसी चीज़ होती है कि ना आप थॉट्स कभी भी बैठ के सोच नहीं सकते। मतलब अगर आप एक कॉपी पेन लेके बोल रहे हो कि आज मैं कुछ अच्छा लिखूंगा, तो बहुत कम चांसेस है कि हाँ आप लिख पाओ, अगर आप उतने परफेक्ट हो तो। लेकिन वो चीज़ थॉट कभी अचानक से ट्रिगर आ जाता है, कभी कुछ चीज़ें हिट कर जाती हैं। तो अभी आप देखेंगे कि कितने स्टार्टअप फ्लॉप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनने आइडिया सोचा कि हाँ मैं स्टार्टअप करूँगा, क्या करूँ क्या करूँ, ये कर लेता हूँ, क्या करूँ क्या करूँ, ये कर लेता हूँ। वो उनको बिना वैलिडेट किए हुए कि क्या सच में वो नीड है कि नहीं, क्या सच में ये स्केल कर पाएगा कि नहीं, और क्या सच में ये अडॉप्टिव होगा कि नहीं। जैसे कि आज ऐसे भी कुछ स्टार्टअप्स हैं देश में कि जो समय से पहले आ गए हैं, जो अडॉप्ट करने में मुश्किल हो रहा है, नो डाउट वो आगे चलेंगे, बट आज उसका टाइम नहीं है। तो स्टार्टअप करने के लिए अगर मैं सबसे सही बात बोलूँ, आपके पास आपका प्रॉपर MVP प्लान होना चाहिए, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट आपके पास होना ही होना चाहिए, कि आपने किया एक प्लान, उसको छोटे में स्केल किया, यहाँ मैं छोटी ऑडियंस में चेक कर लेता हूँ, जैसे हमने इंदौर में किया था। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से 2-3 महीने पहले हमने इंदौर में एक पायलट चलाया था 2 महीने का, सिर्फ 40 वेंडर्स के साथ। उसमें हमने 3 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, 96+ ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे, एक चीज़ समझ में आ गई थी कि हाँ चल जाएगा। फिर हमने 2 महीने के लिए पूरा काम रोक दिया, मतलब बड़े लेवल पर करेंगे। फिर हमने क्या किया, 4 डिस्ट्रिक्ट्स किए, अब उसको हम आज इस लेवल पे पहुंच गए कि हाँ आप पूरे MP लेवल पे करेंगे, और फिर जब MP में हो जाएगा तब हम उसको एक और छोटा MVP करेंगे कि हाँ हम पूरे देश के लेवल पे करेंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड करेंगे। उसके साथ साथ ये होता है कि आप मैग्नीफाई कैसे करते जाते हो चीज़ों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। स्ट्राइकिंग फैक्टर वो चेतना कहते हैं इसको, चेतना मतलब वो क्या फोर्स है आपको, जो इतनी सारी चीज़ें झेलने के बाद भी आप दोनों, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत जल्दी जगह लेती है ना, डीमोटिवेशन बहुत जल्दी आता है, हिम्मत टूटती है, और ये थॉट 24 घंटे में एक बार ज़रूर आता है कि नहीं हो पाएगा ये, या नहीं करते कुछ और करते हैं, वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लेके जा रही है आगे? एक सबसे हिट पार्ट हमारे साथ यही रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ बिल्कुल, और सच में गलत नहीं हूँ, कि पिछले 3 सालों में आज एक दिन नहीं आया कि हमने बोला कि यार गलती कर दिए करके, ये नहीं आया, भगवान की कृपा रही तो नहीं आएगा भी। बट स्ट्राइकिंग फैक्टर और किक फैक्टर ये होता है जब आपको रिजल्ट्स या आउटपुट मिलने लगे, और हम थोड़े से एग्रेसिव माइंडसेट के हैं क्योंकि अभी एज नहीं है, उतना एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है, वी नो, बट अडॉप्टिव काफ़ी ज़्यादा है, वर्सेटाइल काफ़ी ज़्यादा है। लाइक कि अगर चीज़ें नेगेटिव भी हो रही हैं,
तो अगर नेगेटिव हो रही है इसका मतलब कि यहाँ कुछ पॉजिटिव है। काफ़ी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, हमें कई सारी चीज़ें बैक एंड पे चलने लगती है दिमाग के कि ये नहीं तो फिर क्या, अब कैसे इसका सलूशन कैसे आएगा। ऐसे कई मोमेंट आए हैं पिछले 3 और 4 साल में। तो उस मोमेंट पे पहले तो हम एक पॉज लेते हैं करीब 5 से 6 घंटे का अपने दिमाग को शांत करने के लिए, क्योंकि ऐसे मोमेंट पे अगर दिमाग शांत नहीं रहेगा ना तो कुछ भी डिसीज़न ले लेते हैं। और जितना जो डिसीज़न मेकिंग पावर होती है वो किसी भी फाउंडर की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक एक डिसीज़न ना आपके स्टार्टअप के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आज एक डिसीज़न गलत लूँगा तो मेरी कंपनी को 10 साल बाद दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए एक छोटा सा पॉज लेते हैं हम कुछ समय का। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हर समय हमारे पास ये पॉज लेने का टाइम नहीं होगा, कई बार हमें डिसीजंस क्विक लेने पड़ेंगे, तुरंत लेने पड़ेंगे, बट हाँ जब हमारे पास होता है हम एक छोटा सा पॉज लेते हैं, उसके बाद एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं अपने ऊपर ही और जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर ही, उसके बाद इजीली हमें सॉल्यूशंस खुद सामने से दिखने लगते हैं और फिर उस समय लगता है कि अरे हाँ यार ये तो सॉल्यूशन था, ये तो क्यों नहीं सोचा हमने उस समय। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 लोगों के पास गए हैं तो 10 के 10 आपको आगे बढ़ाए होंगे कि नहीं यार बहुत ही अच्छा है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, बड़े स्टार्टअप्स के साथ, बिजनेसेस के साथ भी, जॉब सीकर्स के साथ भी, सबके साथ होता है। कोई ना कोई 1-2 लोग ऐसे होते हैं, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको ये फील करवाते हैं कि अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब आपको ये फील करवाते हैं कि आपकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है अगर वो ही आपके सर्वोपरि है। तो ऐसा कोई मिला, ऐसे कुछ कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए आपको? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे में, बट एक बहुत हिट पार्ट है जो मैंने आज तक कहीं बताया नहीं है। उसमें एक सीन ये था कि आज से 2 साल पहले की बात है, पर्टिकुलर एक सज्जन थे जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरे करियर को लेके क्वेश्चन किया था। पर्टिकुलर वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे बेसिकली, सब कुछ सही था, बट पॉइंट ये था कि उनको लगता था वो सुपीरियर हैं, मुझे लगता था शायद मैं सही रास्ते पे हूँ। तो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे कि देखते हैं कितना बड़ा बन जाओगे, देखते हैं कितना क्या होगा। और कहीं ना कहीं अब चीज़ें बदली हैं 2023 के बाद से, आज हम कहीं ना कहीं अच्छी वैल्यूएशन पे बैठे हैं, आगे कहीं ना कहीं रेस करेंगे तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए जवाब ज़्यादातर हम देते नहीं हैं, बट पॉइंट है कि यहाँ पे एक मैं बेसिकली रैप सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, तो उसमें एक बहुत प्यारी सी एक लाइन है, जब एक MZ वेला का गाना है, बेसिकली अच्छा गाना है, उसमें था कि इंटरनेट पे बनाया मैंने पेज, मेरे पेज के नीचे तानों की लिस्ट बनने लगी, बोले तू है वॉनबी, बोले तू है वीक, धीरे धीरे मेरी भी सटकने लगी, करने लगी मेरी माँ भी सवाल, जिस सवाल का जवाब कभी ढूंढ सका नहीं, हंसते थे लोग जब पकड़ता था माइक, आज तालियों के बीच में कोई दिख रहा नहीं। तो जब हम कहीं ना कहीं जाते हैं, 4 अचीवमेंट्स बताते हैं, तो वो चीज़ वहीं पीछे ही रह जाती है कि हाँ ठीक है जो बोला देखेंगे, बट हाँ एक एग्रेशन भी है क्योंकि एज यंग है, तो हम प्रूफ करेंगे उनको भी, किसी ना किसी ने एक टेक्स्ट एक मैसेज काफ़ी होगा अब तो। हाँ, वो भी नहीं करना पड़ेगा, वो काम कर देता है, वो काम खुद ही बता देता है आपका, आपको सामने से अप्रोच नहीं करना होता। इतनी मैच्योरिटी तो यार मेरे में भी आ गई है कि आपका काम ही पहुंच जाएगा और वो खुद ही समझ में आ जाएगा उनको कि हम गलत थे। अभी आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप का अभी भी है क्रेज़ इंडिया में, या अब ये डाउन हो रहा है या आगे बढ़ेगा? एक्चुअली एक वेव चली थी, इंजीनियर्स की वेव चली थी, इंजीनियरिंग चल रही थी, हर चौथा इंसान इंजीनियर निकल रहा था। वो कहते हैं ना एक कहावत है कि एक भीड़ में पत्थर मारो हर चौथा बंदा इंजीनियर निकलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं सबको तो नहीं कहूँगा, बट काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स है वो जिनको बोला जाता है कि हर चौराहे पे आज 4 स्टार्टअप बैठे हुए अपनी दुकान खोल, और उनकी वजह से ना जो सच में पोटेंशियल स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। उनकी भीड़ में ना जो पोटेंशियल वाले हैं वो भी घूम हो जा रहे हैं। आज काफ़ी गुना हद तक स्टार्टअप की इतनी ज़्यादा नंबर्स हो चुके हैं ना इंडिया में, जिसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी एक DPIIT सर्टिफिकेट भी लेके आई है। क्या होता है ये DPIIT सर्टिफिकेट? एक सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इनोवेशन ऐसे करके होता है, मुझे पूरा याद नहीं है। तो वो एक सर्टिफिकेट देती है हर स्टार्टअप को जो आपको डिफ्रेंशिएट करा देती है कि आप बिजनेस नहीं हो, आप एक स्टार्टअप हो जो इनोवेशन लेके आए हो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और ऐसे अभी तक सिर्फ 1,15,000 सर्टिफिकेट्स ही स्टार्टअप्स को दिए गए हैं इंडिया में 140 करोड़ की आबादी में। तो वो सर्टिफिकेट आपको डिफाइन कर देता है कि हाँ आप एक स्टार्टअप हो, और जब आपका वैल्यूएशन और रेवेन्यू 100 करोड़ के ऊपर क्रॉस हो जाता है तब वो सर्टिफिकेट की वैल्यू खत्म हो जाती है, तब आप एक प्रॉपर बिजनेस में आ जाते हैं, तब आप स्टार्टअप नहीं रहते, बट 100 करोड़ तक आप उसके अकॉर्डिंग एक स्टार्टअप रहते हैं DPIIT सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो एक चीज़ तो वो है कि DPIIT आपको बता देती है कि हाँ आप एक स्टार्टअप हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इतने स्टार्टअप मिलेंगे, कई ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि मैं कैमरे में बोल भी नहीं सकता और हमने सुने, लाइक कि छोटी छोटी जगह हमें बुलाया जाता है कहीं पे लाइक जजिंग करने के लिए स्टार्टअप इवेंट्स में। तो हम देख रहे हैं कि जैसा सिद्धार्थ ने कहा, उनको बस एक स्टार्टअप करने के लिए आइडिया चाहिए, तो वो कुछ भी लेके आ रहे हैं जिस चीज़ का ना कोई यूज़ है, ना ही कोई पेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ना ही कोई इनोवेशन है, बट वो उनको स्टार्टअप करना है क्योंकि अभी चल रही है, बहुत अच्छी एक वेव चल रही है।
अभी गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव हो गई है स्टार्टअप्स को लेके, तो बस सबको एक स्टार्टअप करना है, अपने इंस्टा डीपी और के नीचे बायो में लिखना है कि आई एम अ स्टार्टअप फाउंडर और एंटरप्रेन्योर। एक सवाल आ रहा है, आपको लगता है कि इसके पीछे सोशल मीडिया का हाथ है, इन्फ्लुएंस, फेम देख के? इसमें फेम तो है ही है, साथ में इंडिया में अडॉप्टेबिलिटी जब होती है तो वास्ट स्केल पे होती है। मतलब अगर चीज़ को, किसी चीज़ को अगर इंडिया ठुकरा रहा है तो भी एक बहुत बड़े स्केल पे, क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। और जब ये अडॉप्टेबिलिटी होती है तो वो चीज़ जब अडॉप्ट करता है कंज्यूमर तो वो भी बहुत अच्छे से करता है। जैसे इंजीनियरिंग, क्यों इंजीनियर इतने बढ़े, इतने स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग अच्छी लगी सब इंजीनियर बन गए, फिर MBA आया, फिर स्टार्टअप आया। इन्वेस्टर्स का एक बेसिक माइंडसेट हमने जो सीखा पिछले एक साल में, इन्वेस्टर्स की एक छोटी सी केस स्टडी आप नेट पर सर्च करेंगे मिलेगा, 20 कंपनीज़ में अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो 19 में वो लॉस खाना उसका 100% कंफर्म है, बट वो एक कंपनी से ही इतना निकालेगा कि वो सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट में भी होगा। दैट्स वाई इन्वेस्टर्स आंख बंद करके कहीं ना कहीं, वो होता ना कि हमने 200 कंपनी में इन्वेस्ट किया, हमने 180 में इन्वेस्ट किया, तो इसलिए वो ये मतलब उड़ता तीर छोड़ते हैं। अब वो जो एक कंपनी है उसको कहीं ना कहीं 20 लोगों से कॉम्पीट करना पड़ा उस इन्वेस्टर की लिस्ट में आने के लिए, और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि स्टार्टअप दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। नेम फेम तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है जब से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं 2016-17 के बाद से जब स्टार्टअप कल्चर एकदम बूम पे आया, खासकर कोविड में। कोविड में इतने बिजनेसेस घर पे बैठे बैठे बन गए जहाँ पे नए नए एलिमेंट्स आ रहे हैं, नए नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो ये हाइप तो बनी जा रही है, बट जितनी हाइप बन रही है उतनी ये चीज़ क्लटर्ड होती जा रही है कि हाँ अब आपको पोटेंशियल चीज़ ढूंढ के निकाल लो, निकाल सको तो। आप बिलीव नहीं करेंगे स्टार्टअप करने के लिए स्टार्टअप्स बने रखे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने पूरे 2023 में सीखा, हाउ टू डू अ स्टार्टअप करने के लिए एक स्टार्टअप है कि स्टार्टअप कैसे खड़े करें, वो बिजनेस नहीं है, वो स्टार्टअप है, और वो ये सिखा रहा है कि स्टार्टअप कैसे करें। क्या चुतियापा चल रहा है दुनिया में भाई, मतलब सीरियसली। ऐसा सुना है कि क्योंकि अपनी बहुत ज़्यादा एज नहीं है तो ये सुना है कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे एक फीमेल का हाथ होता है, चाहे वो मम्मी हो, बहन हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। तो क्या ये बात सच है, तुम लोग के पीछे ऐसा कुछ है जो तुम लोग की हेल्प करते हैं? मतलब मम्मी तो होंगी ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वो तो सबसे सुपीरियर है, सबसे ऊपर वही हैं, एंड उनके अलावा भी हैं काफ़ी लोग हैं, मतलब जो इनिशियल फेज़ पे हमारे उस मोटिवेशन को कायम करने के लिए खड़े थे, जहाँ पे लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे लाइक कि हाँ चलेगा नहीं चलेगा, क्या ही करोगे, क्या बनोगे, उस मोमेंट पे था। जैसे कि एक मेरे को कहानी अभी याद है, उस मोमेंट पे था एक पर्सन जिसने मुझसे ये बोला था कि जब मैं 2.5 करोड़ की फंडिंग आस करने के लिए बैठा था 1.5% के लिए, तब उस मोमेंट पे ये आया था कि कोई किसी को 10 रुपये भी अगर देता है तो वो 5 बार सोचता है, और अगर तुम 2.5 करोड़ मांग रहे हो बिजनेस करने के लिए तो इट विल टेक टाइम, यू हैव टू बी इन पेशेंस। और एग्रेसिव था और नेचर थोड़ा ज़्यादा वो था कि मतलब हाँ जो करना है जल्दी करना है, सब एक्वायर कर लेंगे, तो पेशेंस कहीं ना कहीं वहाँ से सीखा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टार्टअप कल्चर के लिए, चाहे माइंडसेट के बाद। तो हाँ ऑब्वियसली वो तो है। कैसा लगा आज के पॉडकास्ट में? बहुत अच्छा लगा, मतलब ये हमारी पहली पॉडकास्ट थी लाइफ की, लेकिन सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। पहले तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि जितनी पॉडकास्ट अभी हो रही क्लोज्ड रूम में हो रही, एक सिनेरियो पे, एक टॉपिक पे हो रही है, और स्लाइटली कहीं ना कहीं वो थोड़ी हो सकता है स्क्रिप्टेड हो, बट पहली बार जब कोई ऐसा बात करता है कि हाँ खुल के रॉ बात हो रही है, कि जो रियल स्टोरी है, जो लेजिड हुआ है, जो सच में चल रहा है एग्जिस्टिंग, तो वही है कि ओरिजिनल चीज़ कहीं वर्थ मोर देन कॉपी। हाँ ये मतलब मेरा सीन वही है कि भाई अब 2 पॉडकास्ट कर चुका हूँ, तीसरा तुम्हारे साथ हो रहा है, आउटडोर ही करना है क्योंकि बहुत खूबसूरत है अपना शहर। सीरियसली बहुत खूबसूरत है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, सीरियसली थैंक यू सो मच। ये एक्सपीरियंस लाइक मिल तो जाता है मेरी पॉडकास्ट इंडोर वाला, बट जो यहाँ फील कर पा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो ऑरा यहाँ पर फील हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, एक अच्छा पॉजिटिव वाइब मिल रही है, तो वो चीज़ तो शायद नहीं मिल, थोड़ा हल्का फील किया होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि जब पॉइंट ये होता है ना कि बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर यू आर ऑन 24/7 जॉब, और जब ऐसे बैठते हैं आप उस बारे में बात कर रहे हैं जो बीत गया है, और जहाँ पे आपको आगे का सोचने की फुर्सत नहीं है, आप पीछे की बात कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माहौल होता है, खासकर जब 2.5 घंटे तक हम बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि हाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या शुरू हुआ था, तो वो बहुत कम टाइम मिलता है वो चीज़ें याद करने के लिए, तो काफ़ी बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ ये सब बातें करके। आज वही हो रहा है कि एक पॉज लेके रिवाइंड कर रहे हैं। हाँ पॉइंट, ये पॉज लेके रिवाइंड चल रहा है, लेजिट बहुत अच्छा लग रहा है। वो स्ट्रगल अपना ही जब याद आता है ना तो लगता है कि भाई अगर उस टाइम पे छोड़ दिया होता तो आज यहाँ नहीं होते हम, है ना। मतलब बहुत अच्छा है, नाइस टू मीट यू गाइस, बहुत बढ़िया एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। मेरी ऑडियंस जो भी आप देख रही हैं, यंग ब्लड है,
मैं भी कुछ ऐसा बहुत 60-70 साल का नहीं हो गया हूँ, मैं भी कुछ ट्राई ही कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। तो हम सब इसी चीज़ में लगे हैं, इनकी फील्ड अलग है, हमारी फील्ड अलग है। आगे और बैठेंगे, इनकी अभी कहानी यहाँ से आज से शुरू होगी और आगे की, तो आगे जो इनका रहेगा करोड़ों में कमाएंगे तो मैं भी ले लूँगा, मेरा भी सेटअप होगा भाई, इतना तो बनता ही है, बड़ा भाई हूँ मैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर से बैठेंगे, तब फिर आज तक आपने कहानी सुन ली मेरी भी, इनकी भी, आज जब आगे बैठेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगी। और आई एम डैम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा, इन लोग को अच्छा लगा, इन लोग ने बता दिया, आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार फिर से मिलते हैं, और मचाते रहो, बढ़िया करते रहो।